राजस्थान में गुंडागर्दी थकने का नाम नहीं ले रही है। एक तरफ जब ये चुनाव के अंदर कहा गया था कि राजस्थान में गुंडागर्दी हो रही है, आए दिन क्राइम हो रहे हैं, आए दिन गुंडागर्दी, मर्डर केस, रेप केस ज़्यादा हो रहे हैं, महिलाओं की सुरक्षा नहीं है, लेकिन अब जबकि बीजेपी की सरकार गवर्नमेंट बन चुकी है राजस्थान में और हिंदूवादी सरकार भी बन चुकी है, इसके बावजूद आपको बता दें एक मुद्दा बनकर आया है। एक क्राइम हुआ है बांसवाड़ा के अंदर, वहाँ पर एक गांव के अंदर एक पुजारी था तो पुजारी को दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। आपको बता दें मामला है बांसवाड़े का, जहाँ पर पुजारी जब रात में 8:00 पर जब वो मंदिर को बंद कर रहा था तो उसी वक्त एक दो लोग आए और उसको गोली मारकर हत्या कर दी, सीने में 2 गोली दागी। यानी क्राइम इतना बढ़ चुका है कि पुजारी तक को नहीं छोड़ा। तो दोस्तों इस पर आपकी क्या राय है, कि आप क्या कहना चाहते हैं? राजस्थान में अभी हिंदूवादी सरकार है और ऐसे क्राइम को लेकर काफ़ी चर्चा में रही थी जब विपक्ष में थी भाजपा, कि गुंडागर्दी ज़्यादा है, बुलडोजर सरकार चाहिए राजस्थान में, ऐसा लोगों का भी कहना था। तो इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए।